नमस्कार। दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि सोयाबीन में कीट और रोग नियंत्रण कैसे करें, उसकी उपयोगी तकनीकी के बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने किसान बंधुओं से कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकन को दबाना आप मत भूलिए। इससे आपको समय समय पर कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे, जिसमें आप कृषि की नई नई तकनीकियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कृषि से संबंधित यदि कोई समस्या है तो उन वीडियो द्वारा आप उनका निवारण भी कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि सोयाबीन में कीट और रोग नियंत्रण कैसे करें। किसान भाइयों, पौध संरक्षण फसल की उन्नत उत्पादन तकनीकी में सोयाबीन में कीट और रोग नियंत्रण से होने वाली क्षति को नियंत्रण करने के लिए पौध संरक्षण उपायों को अपनाया जाना आवश्यक है। कीट प्रबंधन सोयाबीन में मुख्यतः तना, जरक, मूंग, सफेद मक्खी और पत्ती खाने वाली इलियों का प्रकोप इसमें अधिक होता है। पत्ती खाने वाली इलियों में बिहार इली, तंबाकू की इली और लाल रोएदार इलियां प्रमुख है। जबकि रोग प्रबंधन की अगर हम बात करें तो उसमें सोयाबीन में मुख्यतः गेरुआ, राइजोक्टोनिया, जूलसन, कलिका जूलसन रोग तथा पीला मोजेक रोग का आक्रमण होता है। सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित न हो इसके लिए इन कीटों और रोगों पर नियंत्रण करना आवश्यक है। इस वीडियो के माध्यम से आप इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आपको सोयाबीन की खेती की उन्नत खेती की जानकारी प्राप्त करनी है तो यहाँ से क्लिक करके आप उसके बारे में पूरी तरह से पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पे आके, या फिर आप हमारा वीडियो भी हमारे दैनिक जागृति यूट्यूब चैनल पे जाके सुन सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों नंबर वाइज कीटों का नियंत्रण सबसे पहले आप कैसे करें, उसके बाद हम रोग रोकथाम की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तना मक्खी, यह कीट प्रकोप फसल की प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। मादा कीट द्वारा अंडे पत्तियों पर दिए जाते हैं, जिससे इलियां निकलकर तने को खाकर सुरंग बनाती हैं, जिससे प्रकोपित पौधे मुख जाकर सूखने लगते हैं। इली हल्के पीले लाल रंग की दिखाई देती है। इस कीट द्वारा पैदावार में 13 से 20% तक कमी आंकी गई है। अब आप इसका नियंत्रण कैसे करें, जिन क्षेत्रों में कीट प्रकोप प्रतिवर्ष होता है वहां पर फोरेट दानेदार कीटनाशक की 10 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोने के समय कुड्डू में डालनी चाहिए। नंबर दो, छिड़काव के लिए मोनोक्रोटोफास 750 मिलीलीटर या फिर कोलनफास 1 लीटर का पानी में उचित मात्रा में घोल बनाकर आप उसका छिड़काव करें, उससे भी कुछ हद तक रोकथाम संभव है। उसके बाद है किसान भाइयों चरक भरंग, कीट प्रकोप फसल की प्रारंभिक अवस्था से लेकर संपूर्ण फसल अवस्था में उगता है। वैसे कीट भूरा लाल दिखाई देता है, जिसके पंखों का पिछला भाग काला होता है। इल्ली हल्के पीले रंग की होती है। मादा कीट पत्तियों के डंडल, शाखा एवं तनों पर 2 चक्कर बनाकर अंडे देती है। प्रत्येक चक्राकार भाग में केवल 1 अंडा दिया जाता है, जिससे इल्ली निकलकर अंदर का भाग खाकर सुरंग बनाती है। प्रकोपित भाग में जाकर सूखने लगता है। पौधे की बढ़वार प्रभावित होती है और अनुमान पर पैदावार में 70% तक आने इस कीट से किसान भाइयों को उसकी फसल में हो सकती है। अब आप इसका नियंत्रण कैसे करें, प्रकाश प्रपंच का प्रयोग कर वैश्विक कीट को नष्ट करें। नंबर दो, सोयाबीन की बुआई का कार्य आप समय पर करें। नंबर तीन, खेत में खरपतवार नियंत्रण रखें, यानी आप अपने खेत में खरपतवार न उगने दें। नंबर 4, सोयाबीन में कीट प्रकोपित पौधे के मुर जाए भाग तोड़कर आप नष्ट कर सकते हैं। नंबर 5, कीट प्रकोप की स्थिति में एंडोसल्फान 1 से 1.5 लीटर या फिर कोलनफास या फिर मिथाइल मेडाटान 800 मिलीलीटर प्रति लीटर प्रति हेक्टेयर पानी की उचित मात्रा में आप घोल बनाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं, यानी 1 हेक्टेयर के लिए 800 मिलीलीटर मेथिल डेमोटोन या फिर कोलनफास या फिर 1 से 1.5 लीटर एंडोसल्फान का प्रयोग आप कर सकते हैं। तीनों दवा से कोई भी एक दवा का प्रयोग कीजिए।
उसके बाद है किसान भाइयों, पत्तियों को खाने वाले कीट। फसल की संपूर्ण अवस्था में विभिन्न प्रकार की इल्लियों का प्रकोप पत्तियों पर देखने में आता है, जैसे तंबाकू की इल्ली, काले हरे रंग की काले धब्बे युक्त तिलियां प्रारंभिक अवस्था में समूह में रहकर तथा बाद में संपूर्ण फसल पर बिखर कर पत्तियों को खाकर क्षतिग्रस्त कर देती है। उसके बाद है किसान भाइयों, बिहारी इल्ली, प्रारंभिक अवस्था में इल्लियां समूह में पत्तियों के नीचे रहकर और बाद में संपूर्ण फसल पर बिखर कर पत्तियों को खाकर क्षतिग्रस्त करती हैं। पूर्ण विकसित इल्ली पीलापन लिए हुए नारंगी व गहरे भूरे रंग की धारियों युक्त होती है तथा शरीर पर नारंगी या भूरे रंग के बाल पाए जाते हैं। उसके बाद है इन इलियों में लाल रोएदार इल्ली, इल्ली लाल हरे रंग की दिखाई देती है जिसके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, ये भी पत्तियों को काटकर खाकर हानि पहुंचाती है। अब इन सभी इलियों का नियंत्रण किसान भाई इस प्रकार करें, वो इस प्रकार है। नंबर एक, रात्रि में प्रकाश प्रपंच का उपयोग करें, वैसे कीटों को इकट्ठे करके नष्ट करें। नंबर दो, इलियों को प्रारंभिक अवस्था में इली समूह में नष्ट कर सकते हैं। नंबर तीन, सोयाबीन में कीट सर्वेक्षण हेतु फेरोमोन प्रपंच का उपयोग भी आप कर सकते हैं। नंबर चार, सोयाबीन में कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में NPB 250 LE का प्रति हेक्टेयर आप छिड़काव करें। और नंबर पांच, कीट की अधिक प्रकोप की स्थिति में एंडोसल्फान या फिर क्लोरोफास या फिर क्लोरोफायरीफॉस 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर का आप छिड़काव करें। उचित पानी की मात्रा में मिलाकर यानी 700 से 800 लीटर पानी में घोल करके। उसके बाद ये तो बात थी किसान भाइयों सोयाबीन में कीटों की, जिसका आप नियंत्रण इन बताए गए तरीकों से कर सकते हैं अच्छे प्रकार से। अब बात करते हैं सोयाबीन में रोग नियंत्रण। सबसे पहला है किसान भाइयों, गेरुआ रोग। पत्तियों पर जंग के समान फफोलेदार रचनाएं बनती हैं जिससे पत्ती सूखने लगती है। इसके नियंत्रण के लिए आपको फसल के गेरुआ रोग प्रभावित क्षेत्र में इंदिरा सोया नो नामक किस्म का प्रयोग करें। नंबर दो, रोग प्रभावित फसल पर कॉन्टाफ 0.1% का छिड़काव भी आप कर सकते हैं, उससे भी कुछ हद तक रोकथाम संभव है। दूसरा प्रमुख रोग है किसान भाइयों, राइजोटोनिया जुड़सन रोग। रोग प्रकोप के कारण पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं जिससे पौधे सूखकर नष्ट हो जाते हैं, फली अवस्था में फलियों में दाने नहीं बढ़ते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप फसल चक्र अपनाइए। नंबर दो, रोग प्रभावित फसल पर बावस्टीन 0.1% 15 दिन के अंतराल पर आप छिड़काव करना मत भूलिए, यानी 1 से 2 छिड़काव आप अवश्य करें। उस पर अगर रोकथाम संभव नहीं होती है एक में, तो दूसरा छिड़काव आप 15 दिन के अंतराल पर अवश्य करें। उसके बाद है कलिका जुलसन रोग। इस रोग के कारण पौधे के अंग कलिका मुड़ने लगती हैं या प्रभावित होती हैं। पौधे का संपूर्ण फसल अवस्था पस्ता खराब बना रहना भी रोग की पहचान है। इसकी नियंत्रण आप इस प्रकार कर सकते हैं, रोग प्रभावित पौधों को प्रारंभिक अवस्था में उखाड़कर नष्ट करें ताकि अधिक पौधों पर यह रोग न फैले। रोग प्रभावित फसल पर जिनेब या मेनेब 0.2% घोल का छिड़काव आप अवश्य करें। उसके बाद है किसान भाइयों, पीला मोज़ेक रोग। इस रोग के द्वारा सोयाबीन की फसल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचता है। रोग के कारण पैदावार में 80% तक कमी आती गई है। शुरुआती अवस्था में 2-3 पत्तियां पीली दिखाई देती हैं, 2 हफ्ते पश्चात संपूर्ण पत्तियां पीली हो जाती हैं। यह रोग एक वायरस द्वारा सफेद मक्खी कीट से सोयाबीन की फसल में फैलता है। इसका नियंत्रण आप इस प्रकार कर सकते हैं, प्रारंभिक अवस्था में रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट करें ताकि रोग आगे न बढ़े। नंबर दो, रोग संक्रमण रोकने हेतु सफेद मक्खी नियंत्रण के लिए मेटासिस्टॉक्स या फिर रोगोर नामक कीटनाशक का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर छिड़काव असरदार रहता है। और नंबर तीन, रोग सहनशील PK 472 जैसी सोयाबीन की किस्में आप अपने खेत में उगाएं अगर आपके वहां पे इस रोग का प्रकोप अधिक है तो। इस प्रकार किसान भाई रोग और कीटों से अपने सोयाबीन की फसल का बचाव कर सकते हैं। यदि वीडियो में उपलब्ध जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारा वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक किसान भाई इसको देख सकें। और यदि आपको वीडियो में कोई समस्या आती है तो आप हमारी
दैनिक जागृति डॉट कॉम साइट पे आके भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकन को दबाना आप बिल्कुल भी मत भूलिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।